Hello to everyone, students. Today we are going to start with the new units, laws of motion. This is a unit number 3 और unit relatively अगर देखा जाए तो easy है. आप इसको काफी easy way में कर भी सकते हो. Mathematical expression involved है. इसमें आपके पास जो first part चलेगा about the Newton's law of motion वो relatively easy है. और जब आप सेकंड पार्ट पे आते हो फ्रिक्शंस पे तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं बिकॉज यू आर न्यू टू द 11 तो थोड़ा डिफिकल्टीज आएंगी. बट उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें जो रिलेट करेगा विद द सर्कुलर मोशंस वो क्या है थोड़ा इजी है. तो मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए चैप्टर का इजी है. तो चैप्टर अगर आप अच्छे वे में करो इसको अच्छे से रिकैप्चुलेट करो देन इट विल बी इजी फॉर यू. क्लियर. तो देखिए आपके पास चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन के बारे में एंड दिस इज अ यूनिट नंबर 3 और इसका जो वेटेज है हमारे पास वो है 10 मार्क्स का. क्लियर. तो वेटेज काफी ज्यादा हाई है और वेटेज के हिसाब से यूनिट इतना ज्यादा लेंथी नहीं है. जैसे अगर हम सेकंड यूनिट काइनेमेटिक को कंसीडर करें तो उसमें आर्टिकल्स भी ज्यादा इन्वॉल्व है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी ज्यादा इन्वॉल्व है. बट एज कंपेयर टू द सेकंड यूनिट ये वाला जो यूनिट है रिलेटिवली ईजी है. क्लियर. तो फर्स्टली मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूं कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या चीज है, किस चीज के बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है. जैसे कि देखिए कि सेकंड यूनिट में हमने वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस किया है, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है, वही चीजें हमारे पास यहां पे है. मींस है क्या कि हमने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके मोशन प्रोड्यूस करना है, उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस करनी है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है. वी हैव टू डू दैट वर्क. क्लियर. तो मतलब पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक पैरामीटर यहां पे क्लियर होना चाहिए अबाउट फोर्स. व्हाट डू मीन बाय द फोर्स. वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है इन क्लास 9th भी कि फोर्स बेसिकली होता क्या है कि एनी पुश और द पुल ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स. मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर पुश करता हूं या उसे पुल करता हूं, मींस या मैं उसके ऊपर धक्का लगाता हूं या उसे अपनी ओर खींचता हूं, तो वही चीज आपके पास क्या होती है, फोर्स होती है. मींस एनी पुश एंड द पुल ऑन द बॉडी. क्लियर. अब देखिए ये चीज है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर क्या करते हो, पुश और पुल करते हो, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, उस बॉडी में ट्राई कर रहे हो कि आप मोशन प्रोड्यूस करो. देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. अगर मैं इसको यहां पे प्लेस करता हूं तो अभी ये रेस्ट पे है, तो मैं जब इसके ऊपर पुश या पुल करता हूं मींस एक तरह से इसमें मैं मोशन प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहा हूं. तो वो जो मैं मोशन प्रोड्यूस करने का जो मेरी साइड से ट्राई होगा वही आपके पास क्या होगा, फोर्स होगा. क्लियर. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बॉडी मान लो मोशन में है और मैं उसे रोकने का ट्राई कर रहा हूं कि वो रेस्ट पे आ जाए, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है कि मींस मोशन में थी मैंने उसे रेस्ट में लाना है, या रेस्ट पे थी तो मैंने उसे मोशन में लाना है. इस टाइप की जो आप वर्क परफॉर्म करते हो एक बॉडी के ऊपर वो किसके थ्रू करते हो, फोर्स के थ्रू करते हो. या फिर मैंने क्या करना है, किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है. जैसे मान लो स्ट्रेट जा रही है और अगर मैंने इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पैरामीटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो फोर्स बेसिकली है क्या, एनी पुश और द पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स. मींस बेसिकली जो आप एक्सटर्नल एफर्ट्स अप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू पुश और द पुल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स. और ऐसा होता है फोर्स के थ्रू उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्या पता आपने इतनी फोर्स लगाई हो जो उसके वेट से कम हो और वो आगे मूव ही ना करे, और क्या पता आप इतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि उसका वेट कम है और वो इजिली मूव कर जाए. सो इट डिपेंड्स कि हम फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं और एक बॉडी का वेट क्या है, दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्लियर. अब देखिए जो फोर्स आपके पास है वो मैं यहाँ पे जनरली डिस्कशन है, वैसे इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. दो टाइप की कंसिडर करते हैं, एक होती है आपके पास इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर. फर्स्ट एंड सेकंड. इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर जो इंटरनली फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो एक बॉडी ये है
और एक बॉडी मैंने ये ली, ये बॉडी इसके ऊपर जो फोर्स लगाती है वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करूं ये मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडी इसके ऊपर अगर फोर्स लगाती है, जैसे मान लीजिए ए है और ये बॉडी बी है, बी ए के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है, क्लियर। और अगर मान लो मैं ये बी ही बॉडी कंसिडर कर लू, तो बॉडी किससे मिलकर बनी है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाता है इस बॉडी के अंदर, तो वो आपके पास क्या होगी, इंटरनली फोर्सेस होगी, क्लियर। मींस ये जो इंटरनली फोर्सेस होती है, एक्सटर्नली फोर्सेस होती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसीडरेशन कि आप सिस्टम को किस टाइप से कंसीडर कर रहे हो। आप जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे ए और बी को अलग अलग सिस्टम लिया है, तो बी ए के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगी, और इसको मैंने बी को ओवरऑल एक सिस्टम लिया है, तो आपके पास इसके अंदर जो फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे वो इंटरनली फोर्सेज होंगी। ऐसे इसके पार्टिकल्स में, जैसे मान लो अगर मैं ए में भी कंसीडर कर लूं, तो इनके पार्टिकल्स में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो भी क्या होंगी, इंटरनली फोर्सेस होंगी, क्लियर। मतलब जो इनके इंटरनली एग्जिस्ट करें, एंड इट डिपेंड्स कि जैसे मान लो अगर मैं इसे ही ओवरऑल एक सिस्टम कंसीडर कर लूं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेज एग्जिस्ट करेगी फॉर दिस सिस्टम वो क्या होगी, इंटरनली फोर्सेज होगी। और अगर मैं मान लो इसको ही, इसको और इसको अलग अलग सिस्टम कंसीडर करूं, तो इन दोनों में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो क्या होंगी, एक्सटर्नली फोर्सेस होंगी। मींस कुछ पैरामीटर हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय द फोर्स, और फोर्स का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं किसी के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है, कि मैं उसे मोशन में लाना चाहता हूं, या फिर क्या है कि अगर वो मोशन में है देन आई वांट कि वो बॉडी क्या आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, या उसका स्पीड रिलेटिवली क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है अबाउट द फोर्स, क्लियर, एनी डाउट।